जय हिंद। मैं नवेद खान आपसे बात कर रहा हूं। आज आप दोस्तों देख रहे हो कि आज मैं आपको कोई गाना नहीं सुना रहा और मूड भी थोड़ा सा आपको अपसेट लग रहा होगा। देयर इज अ रीजन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक फिल्म का एक यूट्यूब पे मैं कुछ सर्च कर रहा था, तो मैंने एक सीन देखा जिसमें नाम लेने में भी कष्ट हो रहा है मुझे। करण जौहर, करण जौहर ने एक लीजेंड रफी साहब के लिए कहा है, कहलवाया है, आई थिंक कहलवाया, क्योंकि डायरेक्टर जो होता है, जो चाहता है फिल्म के अंदर वही होता है। तो करण जौहर ने कहलवाया कि उनकी हीरोइन कह रही है कि मोहम्मद रफी गाता कम था रोता ज्यादा था। ए, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ और बहुत लोगों ने एक्चुअली कहा है मुझे कि मेरी आवाज में मोहम्मद रफी जी की झलक है। खुदा के लिए मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहम्मद रफी वो गाते कम होते ज्यादा थे ना? क्या यही भारतीय संगीत है? और करण जौहर आप क्या हो यार, आप ना तो आप गायक हो ना आप एक्टर हो। यस यू ब्लडी, तुम सिर्फ जज की कुर्सी पे बैठ के, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों कुर्सी पर हो, आपको नाचना भी नहीं आता है, आप एक डांस शो के जज हो, आपके औकात नहीं है। यू आर नॉट ए एक्टर, यू आर नॉट ए डांसर। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है यार मोहम्मद रफी साहब के लिए बोलने के लिए? और अफसोस देख के ये हुआ कि उस फिल्म के अंदर जो हीरो हैं उनके नाम मैं क्या बताऊं आपको, शायद मुझे नए जो सिंगर्स और एक्टर्स इनके नाम भी ध्यान रहते हैं, मुझे ऋषि कपूर जी का नाम ध्यान है, जिनके लिए रफी साहब ने पता नहीं कितने सारे हिट गाने दिए हैं। जितनी सारी परफॉर्मेंस के अंदर ऋषि कपूर को हिट करने का रीजन उन रफी साहब का गाया गाना है। और उनके बेटे, क्या क्या नाम है उनके बेटे का? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर बैठे हैं और उनकी हीरोइन बोल रही है कि मोहम्मद रफी गाता कम था रोता ज्यादा था। बहुत अफसोस हुआ कि रणबीर कपूर जिनके जिनके डैडी ऋषि कपूर, उनके लिए रफी साहब ने एक से एक बढ़कर गाने गाए जो सुपरहिट थे हैं। और अभी मैंने फिल्म के गाने सुने। करण जौहर यार क्या हुआ, ये सॉफ्टवेयर पे गाना गाना, आपके सिंगर गाते होंगे सॉफ्टवेयर पे गाना, जिस दौर के अंदर मोहम्मद रफी साहब थे, किशोर कुमार थे, उस दौर में देर इज नो फकिंग सॉफ्टवेयर म्यूजिक, वहां सब कुछ मैनुअली था। आप क्या करते हो? कॉफी विद करण, व्हाट इज दिस? पहले नॉलेज तो लो यार। आप मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, इनका बाप कोई बॉलीवुड का से रिलेटेड आदमी नहीं था, आपको तो करा करा थाली के अंदर मिल गया ना। आपके फादर बहुत लीजेंड, ही वॉज ए लीजेंड डायरेक्टर, आप उनके बेटे हो, आप इस टाइम पे, यू आर नॉट इंडिविजुअल। लेकिन मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार, ये पर्सनैलिटीज वो हैं जो खुद अपने बल पे स्टैंड किया है बॉलीवुड के अंदर। और एक बात और, जितने भी लिसनर्स इस व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा, मुझ जैसे हजारों लाखों ऐसे सिंगर्स हैं जो मोहम्मद रफी साहब को, किशोर को फॉलो करके उनके गीत गा के हम अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। और बहुत अफसोस ये हुआ कि किसी भी सिंगर ने कोई रिएक्ट नहीं किया। नॉट ओनली यूट्यूब, यूट्यूब पे मैंने बहुत वीडियोस देखी जो रफी साहब के गाने गा रहे हैं उनको कॉपी करके उनका वीडियो डालना है अपनी आवाज में, जैसे मैं अभी करता हूं, किशोर दा के गाने डाल रहे हैं अपनी आवाज में गा के, लेकिन एक ये लिपस्टिक लगा के और अपने गालों को लाल करके सोफे पे बैठ के जज बन के एक आदमी रफी साहब को बोल रहा है कि रफी, मोहम्मद रफी गाता कमतर होता ज्यादा था, उस पर किसने को रिएक्ट नहीं किया? जस्ट आई एम अ सिंपल इंडियन, मैं एक इंडियन हूं और मैं लीजेंड्स की कदर जानता हूं, जबकि आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। हाँ, अपने स्टेट में आई एम अ सेलिब्रिटी, डेफिनेटली आई एम इन द स्टेट, इन माई स्टेट आई एम सेलिब्रिटी, लेकिन बहुत अफसोस ये हुआ कि किसने को रिएक्ट नहीं किया। अभिजीत दादा, जिनको सुन के मैंने गाना सीखा है, सीख रहा हूं, अभिजीत दादा, कुमार सानू, ये सब मेरे लीजेंड हैं। इनके जब भी मैं अभिजीत, कुमार सानू, उदित नारायण जी इनका नाम लेता हूं तो खुद ब खुद मेरे कान तक अपने हाथ चले जाते हैं, क्योंकि दे आर द लीजेंड्स, दे आर द ट्रू सिंगर्स। इन्होंने जो भी गाया है बिना किसी सॉफ्टवेयर के गाना गाया है। आजकल आपके करण जौहर, आपसे एक सवाल है मेरा, क्योंकि गायक के साथ मैं एक मीडिया पर्सन भी हूं, आपने जो फिल्म के अंदर गाने गवाए हैं क्या वो गाने हैं? क्या लाइफ है उन गानों की? एक हफ्ता, 10 दिन, 12वें दिन उसको डीजे पे भी कोई नहीं सुनेगा। और उसका रीजन सिर्फ है कि क्योंकि आपने जो सिंगर्स यूज करे हैं वो सिर्फ सॉफ्टवेयर पे गाना गा रहे हैं, उनका ओरिजिनलिटी कुछ नहीं है। ओरिजिनलिटी थी अभिजीत दी की आवाज में, कुमार सानू की आवाज में, देखिए आप पर्सनैलिटी, देखिए उदित नारायण जी को सुनिए, है ना। मेरी प्रॉब्लम ये नहीं कि आपने गाना किससे गवाया, मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप होते कौन है मोहम्मद रफी साहब के लिए या किसी भी। आज आपने रफी साहब को कह दिया, कल आप किशोर कुमार को कहेंगे और उससे नेक्स्ट डे आप आरडी बर्मन साहब को बोलेंगे, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक पूरे वर्ल्ड के अंदर रिप्रेजेंट किया। तो अपनी जबान को लगाम दो मिस्टर करण जौहर, वरना मुझ जैसे बहुत सारे नवेदन खड़े हो जाएंगे आपको अपोज करने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, जहां आपको दिखाना है दिखाइए, मुझे कोई डर नहीं है। मैंने एक एज ए सिंपल परफॉर्मर,
मैं सिर्फ एक कलाकार हूं, मैंने एक कलाकार की बेइज्जती देखी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैं आज आपको अपने वीडियो अपना गाना नहीं सुना रहा हूं। और शर्म आती है रणबीर कपूर, रणबीर कपूर जी सॉरी, आपके डैडी के लिए मोहम्मद रफी साहब ने पता नहीं कितने सारे हिट गाने गाए हैं, जो उस समय हिट थे अभी भी हिट हैं। आई एम सॉरी, आपके गाने की जो लाइफ होती है ना, आजकल का जो म्यूजिक है उसकी लाइफ नॉट मोर देन वन वीक, एक हफ्ते ज्यादा लाइफ नहीं है। लेकिन ऋषि कपूर साहब के लिए जो किशोर दाने रफी साहब ने गाने गाए हैं, वो आपके आपकी पैदाइश से पहले गाए थे, लेकिन वो आज भी एज इट इज वहीं के वहीं है, उनपे मील का पत्थर है वो। और आपने इतनी बड़ी बात सुन ली उस लीजेंड सिंगर के लिए जिसने आपके डैडी के लिए इतने सारे गाने गाए, एटलीस्ट आप इसको अपोज कर सकते थे एज ए डायरेक्टर से। आप एक्टर है, ठीक है, मैं अगर सिंगर हूं और अगर मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के लिए गाना गा रहा हूं, तो आई कैन गिव माई सजेशन। आपको सिर्फ ये बोलना था ना कि रफी साहब के लिए आप ये लाइन हटा दीजिए, आपने नहीं बोला। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है मेरी, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं और जितने लोग रफी साहब को सुन के उनके गाने गा के रोजी रोटी कमा रहे हैं, या किशोर दा के गाने सुन के रोजी रोटी कमा रहे हैं, उनको रिएक्ट करना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हो गई एक लीजेंड्स के लिए बोलने के लिए। और मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा अभिजीत जी से, कुमार सानू जी से, जो मेरे लीजेंड हैं, आपको आपको देख के तो मैं संगीत सीखा हूं, सीख रहा हूं, अभी सीख रहा हूं, अभी सीखा नहीं, सीख रहा हूं, आपके गाने गाता हूं। मैं किशोर दा रवि साहब को गाता हूं, लेकिन अभिजीत जी, मैं किशोर दा के गाने गाता हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जिस तरह आपने गाया वो गाऊं। और आप लोगों ने कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया? आज एक आदमी जो सॉफ्टवेयर पे सिंगर्स को गाना गवा के अपनी फिल्म को हिट कराता है, वो आज रफी साहब को कह रहा है, डेफिनेटली कल वो किशोर दा को कहेगा, और फिर वो अगली बार आर डी बर्मन साहब को कहेगा। तो दिस इज नॉट अ गुड। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने लोग देख रहे हैं इसको शेयर कीजिए, और आपने अपने कमेंट डालिए आप, है ना, तो कि एक करण जौहर आप भगवान नहीं है बॉलीवुड के, ना आप खुदा हैं, कि आप किसी भी जो लीजेंड्स थे जिन्होंने जो मेहनत करके इंडस्ट्री तक पहुंचे और आज तक जिंदा हैं, वो उनका नाम आज तक जिंदा है और आने वाले हजार साल तक उनका नाम जिंदा रहेगा एज इट इज, चाहे वो रफी साहब हो, चाहे वो मुकेश माथुर हो, चाहे वो किशोर दा हो, चाहे वो आर डी बर्मन हो, चाहे कोई भी हो, पुराने लीजेंड्स हैं। और मैं नहीं, जितने भी चाहने वाले हैं रफी साहब के, मैं फिर बोल रहा हूं, मुझ जैसे बहुत सारे ऐसे हजारों लाखों सिंगर्स हैं जो रफी साहब को फॉलो करके, किशोर दा को फॉलो करके परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी अपने परिवार पाल रहे हैं। आपको कौन फॉलो कर रहा है? कोई एक फॉलोवर है आपका? मतलब एज ए परफॉर्मर, आप सिंगर नहीं है, आप डांसर नहीं है, आप एक्टर नहीं है। मैंने जहां भी आपको देखा, बकवास करते हुए देखा, सिर्फ दो औरतों के बीच में आपके लालो गालों पे लिपस्टिक लगी होती है, मुंह पे लिपस्टिक लगी होती है, आप बकवास कर रहे होते हैं। आप डांसर हैं ही, तो आप डांस के जज कैसे बन गए? जब मुझे डांस आता ही नहीं है, तो हाउ कैन आई जज ए डांस? आप एक्टर भी नहीं है, आप एक सिंपल फिल्म मेकर हो, आप एक डायरेक्टर हो, है ना, तो उस हिसाब से बात करिए। आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप किशोर दा रफी साहब जैसे लीजेंड्स के लिए कुछ करें। ऐसा तो मैंने आपके लिए बोल दिया, अब आप उखाड़ लीजिए जो उखाड़ना है मेरा। थैंक यू।